जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आईडिया जयपुर। दोस्तों आज है फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स फंडे, तो आज है फंडे और फंडे के अंदर आज एक बेहतरीन अमेजिंग और शानदार गेम होने जा रहा है और गेम का नाम है दम सराज। तो दम सराज के लिए तैयार हो? यस सर। जोश नहीं है, तैयार हो? यस सर। ओके, तो ये है टीम ए और ये है टीम बी, तो देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। कौन सी जीतेगी? बी जीतेगी। ए नहीं जीतेगी, ए वालों को नहीं पता जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ओके, तो टीम ए की तरफ से आजा। मूवी का नाम इनको बता दिया है और तैयार है। इनको टाइम मिलेगा 30 सेकंड, ठीक है? 30 सेकंड, रेडी अप। आपका टाइम स्टार्ट होता है। मुंह बंद करो। 17 सेकेंड, 27, 28, 29, 30 अब तो है 0। और मूवी का नाम था बाजीगर। चलो इन स्टार्ट, रेडी अप। आगे बोलो। महाभारत। और इसी के साथ टीम बी को मिलता है 1 पॉइंट। एक बार जोरदार तालियां। आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। एक्शन तो कर। ओके, इसने पहले ही हार मान ली और टीम अल्फा को मिलता है 0.0। ओके, इनका टाइम होता है अप। हम आपके हैं कौन, मूवी का नाम था। इन टीम ब्रेवो को होते हैं 2 पॉइंट। और आपको कोई बोले कि हार मान ले, हार कैसे मान सकते हो आप किसी से कम हो क्या? अगर आपने लड़ने से पहले ही अगर किसी ने हार मान ली ना, तो उसको कोई जीने का अस्तित्व ही नहीं है। लास्ट आखिरी दम तक संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष जो करता है ना, वही जीतता है। चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे गेम हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे युद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने शुरू में ही हार मान ली तो आपके जीतने की संभावना 99% खत्म हो जाती है। किसी भी एग्जाम में या कहीं भी जाते हो ना, वहाँ पर शुरुआत में ही इंसान पहले ही झटके में या तो 80% हार जाता है या जीत जाता है। जिस दिन वो निश्चय कर लेता है कि यस मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है और मुझे जीतना है, उस दिन वो 80% लड़ाई जीत जाता है। अब 20% ही रहती है। और अगर वो ये सोच लेता है यार मेरे से कैसे होगा, अपने नहीं होगा, छोड़ यार, तो वो 80% संभावना होती है वो हारेगा।